Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject maths of standard 5th. In that, question number 3rd, true false. First one, 2 multiply 7 equals to 14. So this statement is true. 2 7s are 14. Second, 3 multiply 0 equals to 0. This one statement is also true. Why? Because dear students, remember the one thing, whenever we have to multiply any number with 0, it will be always 0. Okay? For example, 1000 multiply 0, तो वो उसका answer 0 हो जाएगा. कोई भी number को 0 से multiply करते हैं, तो answer 0 ही मिलता है. Third one, figure दिया है, and its area बोला है 20 meter square, तो ये statement false है. क्योंकि एरिया के लिए हम साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं, 4 4 16 होगा, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स. फोर्थ, 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 5296, तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 है तो ये सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, तो ये थिंग्स हमें याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस. Do the multiplication by Bella's method. Okay, अगर dear students Bella method बोली है तो हमें यही rule follow करने हैं कि zero हम second step पे लेते हैं. अगर ऐसे ही सिर्फ बोला है multiplication करो तो आप कोई भी method कर सकते हो, ये भी method कर सकते हो. And किसी का habit होता है कि ये जो first step है उस पर ही zero रखते हैं and फिर right side के part से start करते हैं वो. ओके, तो यहाँ पे हम बेला की मेथड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ड्यूरिंग द चैप्टर हमने ये सब किया है, 32 मल्टीप्लाई 12, तो हम स्टार्ट करेंगे बेला की मेथड में 2 से 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 1 0 पुट अप करेंगे. ओके, एंड देन आफ्टर 1 से 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 3, फिर एडिशन. उसी तरह सेकंड वन, 32 मल्टीप्लाई 14, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. Then after again we have to take 10. Then after 1 से start करेंगे, 1 2 is a 2, 1 3 is a 3. Then after we have to do addition of these 1, तो हमें answer मिलेगा 4 4 8. Okay, ये हमारा answer होगा. तो इस तरह से मैं आपको दूसरे सम homework में दे रहा हूँ, उसकी आपको practice करनी है. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3rd 4 5 6 आपको बेला मेथड से ही करने हैं. ओके, एंड सेम एज इट इज रूल है, हमें फॉलो करने हैं एंड आपको करने ये सम. ओके, तो ये सब क्वेश्चन थिंग आपको नोटबुक में प्रॉपर वे में लिखना है, सो यू कैन रिवाइज इट वेल. थैंक यू.